डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एंड ग्रुपवेयर। क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एंड ग्रुपवेयर। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का होता है, अलग से ही पूछा जाता है, अकेला वर्क ग्रुप या दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है जैसे इस क्वेश्चन में दिया या उसने पूछा है। वर्क ग्रुप कंप्यूटर क्या होता है? दो अल्फाज का मजमू है। वर्क काम को कहते हैं, ग्रुप कहते हैं एक मजमू की शक्ल में काम करना, इकट्ठे होकर जो है टीम की शक्ल में काम करना। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ऑन पार्टिकुलर टास्क एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसी खास काम के ऊपर टास्क को परफॉर्म करना, काम को सारे अंजाम देना, और जो मालूमात हो फिर एक दूसरे के साथ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क उसको शेयर करना। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ वर्क ग्रुप थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ऐसा अमल जिसमें मालूमात को मुख्तलिफ जो यूजर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो वर्क ग्रुप में बैठ के काम करते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, उनमें उस मालूमात को शेयर किया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है या उस मालूमात को लिया जाता है, इसको हम कहते हैं ग्रुप वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, इकट्ठे काम करना टीम की शक्ल में। मेंबर्स क्या होते हैं? मे बी डिफरेंट सिटीज़ आर इवन इन डिफरेंट कंट्रीज़ के, एक शहर में भी लोग हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में लोग काम करते हैं तो वो एक शहर के अंदर है, या जैसे बैंक्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इसके ब्रांचेस हैं, तो ये डिफरेंट सिटीज़ की मिसाल हो जाएगी। नेशनल बैंक की मिसाल लें, हबीब बैंक की मिसाल लें, तो पूरे पाकिस्तान में इनके ब्रांचेस हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे फ्रीलांसिंग का काम है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर टीम बैठी होती हैं, कोलीग्स बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं वर्चुअली, या जैसे बैंक्स हैं तो इनकी ब्रांचेस आउट ऑफ कंट्री भी हैं, वहाँ पर भी इनकी सारी ब्रांचेस चलती हैं। कैन शेयर एंड डिस्कस दियर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। मेम्बर जो हैं अपने जो उनके ख्यालात होते हैं, तजर्बात होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। कैन शेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा फाइल्स, डाटा फाइल्स को लेते हैं और देते हैं, जो डाटा फाइल्स प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती हैं। कैन इवन सी एंड टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कैमराज के थ्रू या जूम ऐप यूज़ करके उसको जो है मुनक्कद किया जाता है जो मीटिंग वगैरह करनी होती है। इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स, इसका किरदार है, अहम किरदार है। जो आजकल हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अगर नए सॉफ्टवेयर हाउस बनते हैं, नई एप्लीकेशन डिज़ाइन होती है, कम्युनिकेशन बिल्डअप होती है, तो ये सारे का सारा काम जो है हमारा एक रिसर्च की सूरत में सामने आता है। ग्रुपवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कम्प्यूटिंग, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कम्प्यूटिंग में जो है परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल होता है। बैंक्स का सॉफ्टवेयर, कराची बेस्ड इनके हेड ऑफिस हैं, वहाँ से इनको एक्सेस दी जाती है, सारे जितने भी ब्रांचेस हैं उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है उनके पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर। सो वहाँ उसको, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ग्रुपवेयर कम्प्यूटिंग। अलाउज मैनी यूजर्स आर रिसर्चर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, बहुत सारे यूज़र्स को या जो रिसर्च करते हैं, जो डाटा को फाइंड आउट करते हैं एक्यूरेसी के लिए या सॉर्ट आउट करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों सूरतों में यूज़र को इजाज़त दी जाती है। आल्सो अलाउज इंडिविजुअल टू कोलैबोरेट वर्क टुगेदर विद देयर कलीग्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारे के अंदर बैठे हुए मिलजुल कर काम करने के लिए भी ग्रुपवेयर सहूलत देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेटवर्क मॉडल्स हैं कि नेटवर्क के डिफरेंट मॉडल्स का, 3 मॉडल्स हैं डिफरेंट मॉडल्स। एक नेटवर्क मॉडल को जिसको हम सिंपली क्लाइंट सर्वर कहते हैं, एक को जो है पी टू पी नेटवर्क मॉडल का नाम देते हैं, तीसरा हाइब्रिड है। सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। क्लाइंट की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं, सर्वर की डेफिनेशन भी देख चुके हैं, सेम वही कंसेप्ट है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जो बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता होता है, जो मेन कंप्यूटर है, बाकी सारे जो है रिसोर्सेज और क्लाइंट्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं।
इसको सेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट किस्म की जो प्रोसेसिंग हमने करनी होती हैं वो भी सर्वर बेस्ड होती हैं। नादरा बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेजेस में तो लैब्स नहीं है, छोटे लेवल पे बड़े में तो हैं, तो ये इनके दरमियान में एक सर्वर कंप्यूटर यूज़ होता है, बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट्स होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर सारा डाटा जो है मेन कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। क्लाइंट्स अदर देन द सर्वर कंप्यूटर, बाकी जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, उनको क्लाइंट्स का नाम देते हैं, इनको टर्मिनल का भी नाम देते हैं, क्लाइंट्स को नोड का भी नाम देते हैं। प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर्स, यूज़र को इंटरफेस देते हैं जो काम करना होता है। मिसाल के तौर पर बैंक में जो कैशियर कैश के ऊपर काम करता है, कैश लेन देन करता है, तो उसके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन चलती है वो सर्वर से एक्सेस होती है। अब जो कुछ भी डाटा वो प्रोसेस करता है वो मेन सर्वर उसको प्रोसेस करता है, सिर्फ क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उसको बदले में रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है। अ यूज़र सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर थ्रू द क्लाइंट, क्लाइंट के मदद से जो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसी बंदे को कैश दे रहे हैं कैशियर ने, तो वो उसका अकाउंट नंबर डालता है और जो उसका चेक होता है उसका नंबर डालता है, जितने अमाउंट का चेक है वो उसमें प्रोसेस करता है, क्लिक करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में एक्सेस होती है, तो वो सर्वर कंप्यूटर के अंदर हो रही होती है। सर्वर कंप्यूटर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और बदले में जो प्रॉपर एक्शन लेने के बाद रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है और बैक भेज देता है, वापस भेज देता है क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर, उसको डिस्प्ले की सूरत में, आउटपुट की सूरत में। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल में नेटवर्क के जो सर्वर्स हो सकते हैं वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक सर्वर भी हो सकता है। एक सर्वर जो है वो स्पेसिफिक जो काम करता है उसको डेडिकेटेड सर्वर का नाम देते हैं, जो सिर्फ एक ही काम सर अंजाम देगा। जैसे यहाँ उसने मिसाल दी कि फाइल सर्वर है, स्टोरेज एंड मैनेज द फाइल्स, प्रिंट सर्वर है जो कि सिर्फ प्रिंट करता है, छापता है पेपर्स को, चेक बुक्स को, आईडी कार्ड्स को, ठीक, बुक्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। नेटवर्क सर्वर्स जो सिर्फ नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जितनी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर या फोटोकॉपियर यूज़ किया जाता है उसके साथ, फोटोकॉपियर की जिसको मशीन हम कहते हैं, तो ये भी नेटवर्क सर्वर के ऊपर जो उसको हैंडल किया जाता है। बेनिफिट्स क्या हैं? रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक, क्लाइंट सर्वर मॉडल के जो डाटा ट्रैफिक हमारे जा रही होती है, आ रही है, तो उसको कम कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर काम सर्वर सारे जाम कर देता है, सो इसलिए जो नेटवर्क की स्पीड भी ज़्यादातर तेज़ ही होती है। प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को बड़ी तेज़ी से जवाब देता है, रिस्पॉन्स करता है जो भी रिक्वेस्ट आती है। अलाउज यूजिंग लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर एज क्लाइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय द सर्वर। और जो हमारे कंप्यूटर क्लाइंट्स होते हैं ये सस्ते कंप्यूटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है हमारा सर्वर प्रोसेस कर देता है। बैंक्स में चले जाएँ तो आम जो हम घरों में कंप्यूटर यूज़ करते हैं सिंपली वही यूज़ हो रहे होते हैं जो कि सस्ते वाले हैं, लेकिन जो काम मेजर मेन कंप्यूटर करता है जिसको हम सर्वर कहते हैं वो बहुत महंगा होता है, लाखों में करोड़ों में होता है। प्रोवाइड सेंट्रल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सारा डाटा एक जगह में महफूज होता है, सो उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके सिक्योर कर लिया जाता है। प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ईजी बैकअप ऑफ डाटा, डाटा हमारा एक जगह पर पड़ा है तो उसको हम एक उसकी नकल ईजी बना सकते हैं, बैकअप कहते हैं नकल लेना, असल डाटा की अगर एक कॉपी बना कर रख लेते हैं, इन केस ऑफ फेलियर उसको हम दोबारा फिर से यूज़ में ले जाते हैं। मोर पावरफुल कंप्यूटर रिक्वायर्ड है सर्वर, सर्वर कंप्यूटर जो है हमें चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, सो इस तरीके से हमारा नेटवर्क जो बिकम वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा हो जाता है। एनी प्रॉब्लम विद सर्वर एंटायर नेटवर्क अफेक्टेड, अगर हमारा सर्वर ही ख़राब हो जाता है तो हमारा ओवरऑल नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। तो लास्ट ये पावरफुल कंप्यूटर हमारा हमें चाहिए तो हमारा नेटवर्क महंगा होगा, दूसरा सर्वर के साथ प्रॉब्लम होता है तो हमारा नेटवर्क अफेक्ट होता है, ये दो डिसएडवांटेज हैं, बाकी एडवांटेजेस हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे पर्सनल नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।